पकड़ा गांव में प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या। घर से 100 मीटर दूर बगीचे से बरामद हुआ शव। छानबीन में जुटी पुलिस। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा के लीची बागान में गुरुवार की सुबह एक युवती की शत विक्षत लाश बरामद की गई। मृतक युवती की पहचान पकड़ा निवासी सोनू कुमारी उर्व सिट्टू कुमारी 19 वर्ष पिता प्रदीप सिंह के रूप में की गई। मृतक युवती की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई है। अपराधियों ने युवती के मुंह में गोली मारी है। चेहरे पर काफी समीप से गोली मारने से उसका चेहरा पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया। युवती का शव उसके घर से महज 100 मीटर दक्षिण लीची बगीचे से बरामद किया गया। बगीचे में शव होने की सूचना मिलने पर मौके पर नवगछिया पुलिस स्थल पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से घटना के संदर्भ में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे के आसपास सोने के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। फोन आने के बाद वो घर से बाहर निकली थी। इस दौरान वो कुछ देर के बाद वापस घर चली आई थी। घर वापस आने के बाद फिर से वो खाली पैर ही घर से निकली थी। इसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। बहुत देर तक होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो हम लोग खोजबीन करने लगे, लेकिन वो घर में नहीं मिली। कुछ देर बाद बगीचे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात्रि में जिन अपराधियों ने उसे फोन पर बुलाया था उसी ने उनकी पुत्री की हत्या कर दी। मेरी पुत्री के पास सैमसंग कंपनी का एक छोटा मोबाइल भी उसके पास था, वो गायब है। हत्या के बाद अपराधियों ने उसका मोबाइल भी अपने साथ लेकर चले गए। मृतक की छोटी बहन जूली कुमारी ने कहा कि देर रात दीदी के मोबाइल पर फोन आया और उसने बाहर आने के लिए बोला। दीदी फोन आने के बाद बाहर गई, कुछ देर बाद वो वापस आई और फिर से चली गई। इसके बाद वो वापस नहीं आई। उस समय किसका फोन आया था ये भी उन्होंने नहीं बताया। जूली ने बताया कि 2-3 लड़कों से दीदी की फोन पर बातचीत होती थी। एक लड़का मोहल्ले का ही है जिसका नाम अमरजीत है, दीदी उससे बात करती थी। इसके अलावा एक लड़का पछियारी टोला का है, एक लड़का मील टोला का था जिससे बात होती थी। रात में उसके मोबाइल पर किसने फोन किया था ये जानकारी नहीं है। BA Part 2 की थी छात्रा, सिपाही भर्ती की कर रही थी तैयारी। मृतक छात्रा सोनी कुमारी BA Part 2 की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि सोनी पढ़ने में काफी तेज तर्रार थी। वो मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में पढ़ाई करती थी। इसके साथ ही वो सिपाही भर्ती को लेकर भी तैयारी कर रही थी। डिफेंस में जाकर देश की सेवा करने की चाहत थी। डिफेंस में जाने के लिए उन्होंने फॉर्म भी भरा था और इसकी तैयारी भी कर रही थी। पिता प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि वो काफी बोल्ड बच्ची थी। अपराधियों ने उसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पिता ने उसके हत्यारों को सजा दिलाने और पुत्री को न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक छात्रा सोनी कुमारी अपनी 5 बहनों में तीसरे नंबर पे थी, जबकि इससे छोटे 2 भाई भी हैं। छात्रा की मौत से उसकी मां रंजना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से परिजन गहरे सदमे में है। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में लड़की की हत्या कर दिए जाने का लग रहा है। हत्यारों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही पुलिस हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजेगी। कैसे हुआ? रात में 2:30 बजे घर से निकली थी और सुबह में 5 बजे पता चला कि लीची बगीचा रोड के सामने मृत है। किसका शव है? सोनी कुमारी। पिता प्रदीप प्रसाद सिंह। सोनी कुमारी कौन लग गया? मेरी साली है। घर कहाँ है सोनी का? पकड़ा। क्या लग रहा है इस बॉडी से, क्या आपको लग रहा है किस तरह का घटना हुई होगी? बोली से यही कि मतलब कोई कॉल इनको किया होगा, कोई लड़का और बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। किस से मारा गया है? अभी तो उनको पलटा के देखने के बाद पता चलेगा। लग तो रहा है कि कुछ काटा गया, सर पड़ा गया। पढ़ती होती थी? पढ़ाई भी करती? पढ़ाई करती थी। BA Part 2। कहाँ से? मदन एलिया। अपना परिचय दे। राहुल कुमार, घर पसरा खगड़िया। आपकी? मेरी साली हुई। घटना हुई बाबू, वाहन का किस तरह से क्या घटना है बताओ तो, जोर से बोलना। बोल ऐसे से हुआ। मेरी बहन 2:30 बजे फोन आया। मेरी बहन का 2:30 बजे फोन आया था। बाहर निकली तब फिर घर आई थी बाहर, तब फिर गई ना, लौट के नहीं आई। कितने देर में फिर आई थी लौट के? फिर आधा घंटा में फिर आ गई थी। तो फिर गई ना, लौट के नहीं आई। कुछ बताई जो लौट कर आई? नहीं बोली कुछ। कैसे पता चला वहाँ से लाश रखा?
कैसे बता, सब जब खोजने लगा ना मम्मी उधर जाती थी उधर ने, तब गई देखने की वहाँ गई है तो ना, बस गई ना तो नजर पड़ा, देखा हुआ है तो पूरा केस झपा हुआ था। पहला कौन देखा? मम्मी। मम्मी का नाम? रंजना देवी। अच्छा, बहन क्या करती थी? बहन पढ़ती थी। किस में? बी ए पट्टू में। कौन कॉलेज? मदन इन एरिया। अच्छा, और किस चीज़ का तैयारी करती थी? क्या बिहार फौजी का? बिहार पुलिस ने फौजी का। आर्मी का? हाँ आर्मी का। अच्छा, भरी थी क्या? हाँ। अच्छा, कब दौड़ होने हो गया था? दौड़ क्या होने? नहीं हुआ था, दौड़ने जेबे करती थी अभी। बहन का क्या नाम है? वो सोनी कुमारी। घर? कुआरी टला पकड़ा। किस तरह से घटना हुई, क्या लग रहा है तुमको? उसको फोन आया ना तो बाहर निकली तो फिर आई घर, फिर गई ना तो उसको फोन आया तो एक ठो बोला कि तुम आओ यहाँ पर, तो बाहर घर से बाहर निकल के गई तो फिर लौट के नहीं आई। किससे से मारा गया कुछ पता है, क्या चीज था? तो बोलता गोली मारा है। कुछ बातचीत होता होगा तुम में, इसका फोन आया है क्या, कौन फोन, किससे बातचीत होती है, ये सब चीज है जानकारी में? किससे होता है? होता है तो डेली लोग से बात करती थी, दो तीन ठो लड़का था। कौन सब? टोले का था, अमरजीत कुमार, दो ठो बाहरी का, तो उसको हम नहीं चिन्हते थे। कभी आया भी था घर पे? घर पे नहीं आता था। तो कभी देखी थी उसको? हाँ देखे तो थे। किसको देखी थी? दोनों लड़का का, पछाड़ी टोला था, तो मिल टोला का गाँव वाला। हाँ, बाहर का भी है? बाहर का दो ठो था। और बात रात में जो लौट कर आई, कुछ बताई इसका फोन आया था, ये कुछ क्या कह रहा है? नहीं बोली कुछ, आई तुरंत, फिर तुरंत निकल गई, फिर फोन आई फिर तुरंत निकल गई। कौन फोन लेके गई थी? छोटा वाला मोबाइल, सैमसंग का। मोबाइल दो ठो रखती थी? दो ठो रखती थी। कुछ उसका कुछ घर में सामान था या घर में छूट गया वहाँ पे, जहाँ पे कुछ वहाँ पे भी सामान मिला है क्या? कुछ नहीं मिला, तो चप्पल सब कुछ लेके नहीं गई थी, सब यहीं पर, सिर्फ छोटा वाला मोबाइल ले गई। मोबाइल गायब है? हाँ मोबाइल गायब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। पिता का नाम? प्रदीप सिंह। बात रात में जो लौट कर आई, कुछ बताई इसका फोन आया था, ये कुछ क्या कह रहा है? नहीं बोली कुछ, आई तुरंत, फिर तुरंत निकल गई, फिर फोन आई फिर तुरंत निकल गई। कौन फोन लेके गई थी? छोटा वाला मोबाइल, सैमसंग का। मोबाइल दो ठो रखती थी? एक ठो? दो ठो रखती थी। कुछ उसका कुछ घर में सामान था या घर में छूट गया वहाँ पे, जहाँ पे कुछ वहाँ पे भी सामान मिला है क्या? कुछ नहीं मिला, तो चप्पल सब कुछ लेके नहीं गई थी, सब यहीं पर, तो सिर्फ छोटा वाला मोबाइल ले गई। मोबाइल गायब है? हाँ मोबाइल गायब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। पिता का नाम? प्रदीप सिंह। हुई है आज आपकी बच्ची के साथ? आज सुबह जो जब हम आए घर पे तो 3 बजे सुबह हम आए थे, तो देखे कि घर में जो है दोनों तरफ से किवाड़ जो है खुला हुआ था, तो हम देखे बच्चिया को तो नहीं थी घर पे, तो इधर उधर देखे खोजे तो नहीं मिला, तो फिर जो है सुबह जो है हमारे घर से 100 मीटर दूर जो है वहाँ देखे कि बच्चिया को गोली मार के ख़त्म कर दिया है। किस क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये घटना हुई होगी, कौन कैसे गई वहाँ पे? लमसम 1:30-2 बजे के लमसम में जो है ना फ़ोन आया किसी का, फ़ोन आया तो वही जो है वो घर से 100 मीटर दूर बुला के ले गया और वही मार दिया। कोई किसी भी शक है आपको? शक तो अभी तो नहीं है सर। बच्ची क्या करते थी आपकी? बच्ची मदन अहिल्या कॉलेज में बीए पार्ट टू का स्टूडेंट थी। और कुछ करते थे? नहीं, किसी चीज़ की तैयारी? सब तैयारी आर्मी का करती थी। आर्मी का? जी।
क्या लग रहा है आपको, अपनी बच्ची के बारे में बताएं, बच्ची किस तरह से थी, उनकी गतिविधि क्या थी? बच्ची एकदम पढ़ने में सही थी, वो हौसला अपना बनाती थी कि हम जो है आर्मी जवान बने, देश का तरक्की करें। हमको तो यही है कि उसका खून हो गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए अच्छी तरह से, प्रशासन जो है सही अपना काम करे, बस यही हमको चाहिए। इस तरह से फोन आना या ये बराबर था बातचीत या कि आज अचानक इस तरह का घटना है? अचानक आज इसी तरह का घटना हुआ, फोन आया 1:30 बजे और जो है वो निकली और जो है घर से 100 मीटर दूर जो है दो चार लड़का, हमको जैसा अंदाज लगता है दो चार लड़का मिलके मर्डर कर दिया। बच्चे का मोबाइल वोबाइल कुछ है? मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल भी लेके चला गया है। कौन मोबाइल था? सैमसंग का था, छोटा वाला। अपना परिचय दे दें। मैं प्रदीप कुमार सिंह, मजदूरी करता हूँ, घर पकड़ा थाना नवछिया जिला भागलपुर। बच्ची का नाम? सोनी कुमारी थी। और घर पकड़ा थाना नवछिया जिला भागलपुर। घर का नाम क्या है उसका? घर का नाम है सिट्टू कुमारी।